क्या लेकर आई हूँ, तो आज मैं आपको बता दूँ कि आज बिहारी स्टाइल मैं चिकन बनाऊंगी और मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। बहुत ही सिंपल तरीका है और आपको पता है कि मैं सिंपल ही तरीका लेकर आती हूँ खाना बनाने का तरीका, जो है कि भाई कोई भी बना सके इसे। तो इस वजह से मैं सिंपल तरीका लेकर आई हूँ कि बिहारी स्टाइल चिकन करी आप कैसे बनाएं। पहले वाले जो चिकन करी मैंने बताया था उसमें सारी चीज़ों को पीसना था, मेथड वही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो आप देखिए कि मैं कैसे आपको बताते उसी तरह से आपको फॉलो करना है। तो ये बिहारी स्टाइल कह लीजिए चिकन करी या फिर बिहार स्टाइल का कह लीजिए, दोनों तरीके से आप इसे कह सकते हैं। तो आइए दिखाती हूँ आपको। देखिए पहले हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे, एक्चुअली 1 किलो चिकन के लिए इतना तेल सफिशियंट होगा। देखिए इतना तेल बहुत है 1 किलो के लिए, तो हम दोबारा तेल का प्रयोग नहीं करेंगे, तेल नहीं डालेंगे। आप देख लीजिए इस तरह से, देखिए ये देखिए, तो इतना तेल काफी होगा और हम बिल्कुल आंच को जो है एकदम हाई फ्लेम कर देंगे। और उसके बाद जो है हम इसमें ये प्याज है, कुछ अदरक है क्रश किया हुआ, एक पोटली ये लहसुन लिया है मैंने, जो ये खड़ा ही डालेंगे हम लोग, और ये कुछ कलियां हैं लहसुन की, ये भी हम ऐसे ही डालेंगे। और ये हरी मिर्च है, ये आप देख सकते हैं, जिनके मैंने दो दो टुकड़े कर लिए हैं, कुछ ज्वाइंट है और कुछ अलग अलग किया हुआ है। एक्चुअली चिकन करी जो है बिहारी स्टाइल चिकन करी बनाने के लिए हमें इस तरह के पतीले का उपयोग करना है, क्योंकि कढ़ाई में क्या होता है कि सारा जो उसका मॉइस्चराइज होता है वो सब निकल जाता है, तो मॉइस्चर उसका नहीं निकलना चाहिए। तो जब भी हम बिहारी स्टाइल चिकन बनाएं तो इस तरह के पतीले का या फिर भगोनी का आप उपयोग कर सकते हैं, ऐसे ही आपको यूज करना है। तो हमें पहले क्या डालना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हमें डालना है इसके अंदर हरी मिर्च, मैंने इसके अंदर प्याज, अदरक, लहसुन और ये मिर्ची, हरी मिर्च सब एक साथ डाल दिया था, ये देखिए। और ये इतना भुन चुका है, ये देखिए, ऐसे आपको भूनना है इस तरह से। और ये आपका चिकन है, तो इतनी कंसिस्टेंसी पे आपको क्या करना है कि चिकन को इसके अंदर डाल देना है भूनने के लिए। तो ये जो चिकन है आप इसको इस तरह से इसके अंदर ऐसे आपको डालना है। और ये जो आप लहसुन की कली देख रहे हो ये वाली, इसे भी ऐसे ही डाल दें। इसको आपको ऐसे चलाना है। एक्चुअली मैंने इस तरह से धीमी आंच पे इसको हम ऐसे भूंज लेंगे, तो भूनेंगे हम चिकन को अच्छी तरह से ऐसे। और थोड़ा सा धीमा आंच कर देंगे, और जब ये हल्का सा भुन जाए तो इसमें बाद में हम मसाला ऐड करेंगे। अभी फिलहाल इसमें हम ये थोड़े से खड़े मसाले हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये काली मिर्च है, 8 से 10 काली मिर्च है,
और ये थोड़ी सी जावित्री है और दालचीनी है, और ये सारी चीजें मैंने इस मसाले में ऐड कर लिया था, पीस लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसे खड़ा मसाला लेंगे। और ये दो चार लौंग है इस तरह से, तो इसको हम ऐसे ही डाल देंगे इस तरह से। और इसको हम ऐसे मिला लेंगे। और ये जो खड़ा लहसुन था ये देखिए मैंने डाल दिया है, ये भी भून रहा है साथ के साथ इसमें। ये मैं बिहारी स्टाइल बना रही हूँ चिकन। अब इसको हम थोड़ा सा ढक देंगे, जब तक ये होगा तब तक थोड़ी देर के लिए इसको भूनने के लिए हम इसे ढक देंगे। तो ये देखिए हमारा चिकन जो है भुन चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको ढक के 5 मिनट जो है पकाया था, और ये देखिए ये तेल छोड़ रहा है, ये देखिए। देख रहे हैं आप, ये हमारा चिकन जो है इतना भुन चुका है। और अब इसमें हम क्या करेंगे, ये मसाला जो है मेरे पास, ये जो मैंने पीस लिया था पहले ही, इसको अब इसी में हम इसको ऐड कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से मसाला ऐड कर लिया, और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, जितना आपको पसंद हो आप उतना ही डालिए। ये देखिए इस तरह से, नमक मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार। और इसको हम बहुत ही स्लोली तरीके से, बिल्कुल आराम से ऐसे हम इसको चलाएंगे इस तरह से, ये देखिए। और लहसुन हमारा जो खड़ा लहसुन था वो इसी में भून रहा है, इसी में भून रहा है वो लहसुन, तो उसका स्वाद और उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इसमें। ये देखिए ये रहा वो लहसुन, तो इसको ऐसे ही हम भूनने देंगे और इसको ढक देंगे हम कुछ देर तक, और थोड़ा सा हाई फ्लेम कर देंगे। बस इसको ऐसे ढक के हम इसे पकाएंगे 5 मिनट तक। पकने के बाद फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ इसकी रंगत। हम इसके ढक्कन को हटाकर देख लेंगे कि चिकन की रंगत कैसी है और वो कैसा लग रहा है देखने में, कैसा बन रहा है। तो उसके ढक्कन को बड़े सावधानी से हम किसी कपड़े से पकड़ के ऐसे हटा लेंगे और देखते हैं इसकी रंगत कैसी आई है। तो ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा चिकन लग रहा है। सारे मैंने इसमें खड़े मसालों का ही प्रयोग किया है, सारे मैंने खड़े मसाले डाले, कुछ खड़े मसाले डाले और कुछ खड़े मसालों को मैंने पीस लिया था, तो मैं उसी से चिकन बना रही हूँ बिहारी स्टाइल। ये देखिए, तो अभी इसे हम भुनने देंगे ऐसे ही, क्योंकि अभी ये ढंग से भुना नहीं है, तो अभी इसे हम और अच्छे से भुनेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसे ढककर ही पकाना है, ऐसे बंद करके पकाना है। ये देखिए 5 मिनट के बाद फिर से मैंने ये ढक्कन हटाया, और ये देखिए चिकन की रंगत बिल्कुल धीमी आंच पर इसको भूनते रहने देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ये देखिए ऐसे इसको भूनते रहने देना है। देखिए हमारा भून चुका है, इसको हाई फ्लेम कर रही हूँ मैं,
और इसमें ज़रूरत अनुसार मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, ऐसे ऐड कर रही हूँ। देखिए, हम चाहें तो वैसे ही भुना हुआ भी खा सकते थे, लेकिन हमें इसे चावल और रोटी के साथ यूज़ करना है, तो हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे इस तरह से। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इस तरह से। और बिल्कुल हाई फ्लेम कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। इसको मैं ढक देती हूँ। और ये देखिए, चिकन हमारा बन के रेडी हो चुका है बिहारी स्टाइल। और ये आपको दिख रहा होगा, यहीं पे वो खड़ा लहसुन ये रहा, देखिए ये रहा ये। तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और ये देखिए, पूरा गल चुका है चिकन। और ये देखिए, बिल्कुल बिहारी स्टाइल, जैसे बिहार के लोग बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बना है। थोड़ा सा हम इसमें तरी रखेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, तो हम उस हिसाब से तरी रखेंगे। हमें चावल रोटी के साथ इसे खाना है। तो देखिए कितना प्यारा चिकन बना है, बिहारी स्टाइल चिकन करी, मस्त बना है, बहुत ही अच्छा बना है। स्वाद भी बहुत ही इसका अच्छा लगेगा खाने में। और ये जब इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, तो स्वाद भी अच्छा ही होगा। और बहुत ही मस्त है। आई होप कि मेरा ये चैनल आपको पसंद आया हो। और मैंने चिकन करी जो है बना लिया है, और उसे बंद भी कर दिया है मैंने उसके आँच को, और वो हो चुका है। तो आई होप कि मेरा चैनल आपको पसंद आया हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूल। अच्छा लगता है, नॉलेजेबल होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम कल के ब्लॉग में आपसे मिलेंगे, और कल मिलेंगे अब आपसे हम। तब तक के लिए नमस्ते, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।